हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एमएन लाइफ। मैं नीतीश। मैं ममता। और आज मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि मेरा आने वाला है बर्थडे। बताओ बर्थडे आज कितना खुश हूँ मैं। मैं भी छोटा सा बच्चा हूँ तो खुश तो होना वाजिब है भाई। बिल्कुल बिल्कुल। और हमारे लीडर जो है अच्छा, इनके लीडर हैं, इनके पति नहीं, हम इनके लीडर हैं, हमारे ग्रुप के लीडर हैं, लाइफ के लीडर। अच्छा, तो आज मैं खुश इसलिए हूँ कि हमारे श्रीमती जी का बोलना है कि बर्थडे के दिन नए नए कपड़े पहनने चाहिए। हाँ। बताओ। हाँ, बर्थडे के दिन से फिर एक और नया साल की शुरुआत होती है, तो उस दिन न्यू क्लोथ, न्यू ड्रेस पहनने से लगता है कि आज मेरा बर्थडे है। मतलब फीलिंग अच्छी आती है। आप अगर अलमीरा में झांक के देखोगे तो पूरा ऐसे लाइन से शर्ट लगा हुआ, टी शर्ट लगा हुआ, उसमें से एक निकाल के मैं पहनता हूँ पूरे साल। फिर खरीद के क्या करूंगा, खामोखा। लेकिन चलो, इसी बहाने खरीदा तो रहा है। और हमारे जो अलमीरा है उसका शोभा बढ़ाएगा। तो जा रहा हूँ अभी मॉल में, चल रहे हैं अभी पैसिफिक मॉल में जाएंगे। और वहाँ पे कुछ ठीक ठाक सा मिल जाए 10-15। बट अभी मार्केट का हालत बहुत खराब है, मतलब स्टॉक मार्केट का हालत इतना खराब है कि कल हम लोग सिप्रा मॉल गए थे, ऐसे ही निकले थे बाबू का बुक लेने के लिए। और सिप्रा मॉल में गए थे तो वहाँ पे मतलब जो अच्छे अच्छे शोरूम पेंटालूम वगैरह में गए तो वही पुराने स्टॉक रखे हुए हैं। बहुत हालत खराब है। इससे अच्छा लगता है कि अमेजन बहुत अच्छा है। हाँ, अमेजन से याद आया, हमारा लिंक, बहुत सारे लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में है, तो वहाँ से जाइए और हमारे लिंक से कुछ भी शॉपिंग कीजिए। और मार्केट से अच्छा है घर बैठे अमेजन से सामान मंगाइए। वो कपड़े में थोड़ा प्रॉब्लम होता है कि साइज का इशू आ जाता है, खासकर मेरे शरीर के लिए दिक्कत है। थोड़ा लंबा तगड़ा आदमी हूँ तो जल्दी से फिट, कोई अलग अलग ब्रांड का अलग अलग साइज होता है तो इजीली फिट नहीं होता है। तो जा रहे हैं हम लोग मॉल में, और चलिए आप लोग को भी ले चलते हैं। सस्ता सुविस्ता 10-15 रुपए का टी शर्ट मिल जाएगा तो परचेज कर लूंगा। कोई 15-20 रुपए का पैंट मिल जाएगा तो परचेज कर लूंगा। ये बातें हजम होती है। जाते हैं फिर आप लोग देख ही लोगे, बर्थडे के दिन कोई ना नया वीडियो आएगा ही, देख ही लोगे मैंने क्या पहना हुआ है। टी शर्ट ही खरीदूंगा, टी शर्ट मुझे अच्छा लगता है। ये शर्ट वर्ट बड़ा टी शर्ट कम्फर्टेबल होता है। लो यार, जाम है पूरा यहाँ, यहाँ पे रास्ता बंद है। ये सीमापुरी का रास्ता बिल्कुल बंद है, यहाँ पे काम चल रहा है तो हमें यहाँ से बैक करना पड़ेगा, इसी वजह से जाम लगी हुई है। तो बैक करके हमें पड़ेगा। चलिए। ओहो, कितने दिनों के बाद देख रहा हूँ इतने सारे थम्स अप। इस सीजन, इस गर्मियों में तो बिल्कुल हमने कोल्ड ड्रिंक मतलब बहुत एक दो बार पिया होगा, तो पिया होगा नहीं तो वो भी याद नहीं आ रहा कब पिया। और ठंडा पानी तो बिल्कुल ही नहीं पिए, जो कि बिना ठंडा पानी के चलता नहीं था, बिना फ्रिज के पानी से चलता नहीं था। और इस बार आरओ के पानी ही चल रहा है। ज्यादातर लोग घर में ही रहे ना, तो घर में रहे तो ज्यादा वो गर्मी नहीं लगा ना। पहले लोग काम से बाहर निकलते थे, गर्मी से ठंडा पानी जरूरत पड़ता था, फ्रिज की जरूरत पड़ती थी। इस बार तो हमने फ्रिज का पानी टच भी नहीं किया, फ्रिज में पानी रखने की जरूरत ही नहीं पड़ी। आज हम लोग निकल पड़े हैं दिल्ली के मॉल की तरफ, और अभी हम पैसिफिक मॉल जाएंगे और पैसिफिक मॉल में ढेर सारा शॉपिंग करेंगे। ढेर सारा शॉपिंग तो बच्चों का होता है बर्थडे पे, हम बड़ों का तो कोई एक नया हो जाए। मतलब ढेर सारा शॉपिंग बोले तो बच्चे बड़े हो गए, मैं बड़ा हो गया क्या, मैं भी तो छोटा सा बच्चा हूँ। अच्छा, आपकी मर्जी। बच्चों का ढेर सारा शॉपिंग और हमारा आनंद विहार का उधर है, ये गाजियाबाद का है। अच्छा, आनंद विहार का उधर है, ये गाजियाबाद का बस कौशाम्बी बस स्टैंड है। कितनी भीड़ है यहाँ पर। उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम आपका अच्छा। हार्दिक स्वागत करता है। रोड के इस साइड यूपी है, रोड के उस साइड दिल्ली है। और मैं पहुँच गया हूँ मॉल में, बस क्योंकि इनको कुछ पसंद ही नहीं आ रहा है। मैं क्या पसंद है, मैं सीधा साधा एक
सिंपल सा आदमी हूँ तो सिंपल आदमी को ये सब हाई फाई चीजें पसंद नहीं आती है। वो देखिए मॉल और ये यहाँ कौसाम्बी में है पैसिफिक मॉल, इसमें हम लोग आए हैं, देखते हैं कुछ मिल जाए सस्ता सुविस्ता तो खरीद लेंगे। इसका भी कामना पूरा हो जाएगा, बर्थडे के दिन मैं भी नया नया पहन लूंगा और थोड़ा चमक लूंगा। लेकिन कपड़ा नया पहनने से इंसान थोड़ी नया हो जाएगा, हम तो वही पुराने। कोई बात नहीं, बर्थडे के दिन कुछ भी एक नया हो जाना चाहिए, जितनी शक्ति होती भक्ति होती है। मॉल बहुत खाली खाली सा दिख रहा है, वैसे खुले हुए हैं मार्केट वार्केट तो खुले हुए हैं, दुकान वुकान तो खुले हुए हैं, सब खुला है मगर बहुत शांति है, मतलब इतना कम भीड़ नहीं रहता था। वैसे आज संडे नहीं है इसलिए भीड़ कम है, संडे को भीड़ ज़्यादा होगी। और ये दोपहर का टाइम है। तो सबसे पहले पैंटालून्स में चलते हैं, वहाँ कुछ पसंद आ जाए क्यों? Yes. तो सामने पैंटालून हमारे दिख रहा है, चलिए। क्या क्या पसंद कर ली? ये दो पसंद आया। तो टी शर्ट तो फाइनल कर लिया इसने दो। अब पैंट देखते हैं, पैंट वैसे जरूरी है नहीं, पैंट कौन देखता है, मेरा तो ऊपर का पार्ट आता है ऐसे। पसंद आ गया है जो आपको बर्थडे के दिन मिलेगा, और बर्थडे के दिन तो ब्लॉग आने वाला है तो जरूर देखिएगा और इंतजार कीजिए बर्थडे का। सैटरडे को बर्थडे है तो संडे या मंडे को आएगा बर्थडे का ब्लॉग। बहुत दिन के बाद हम लोग मॉल में आए हैं, थोड़ा मॉल में टहल रहे हैं और थोड़ा खाली खाली सा लग रहा है मॉल, लोग कम है और वीकडे इसीलिए कम है, संडे को तो मुझे लगता है ये भी भर ही जाता होगा। तभी ऊपर जाकर फूड कोर्ट में देखते हैं वहाँ का क्या पोजीशन है, खाएंगे तो कुछ नहीं लेकिन जल के देखते हैं, थोड़ा बैठते हैं और आप लोगों को भी दिखाते हैं कि मॉल का फूड कोर्ट क्या कंडीशन है। यहाँ पे बहुत सारे स्टॉल हुआ करते थे पूरी खाली हो चुकी है। पहले बाहर स्टॉल लगे हुए थे, तो वो सारे स्टॉल खाली हो गए, मॉल अभी खाली खाली लग रहा है क्योंकि जगह जगह पे छोटे छोटे स्टॉल हुआ करते थे जो अच्छे सामान उसमें भी मिला करते थे, वो सब हट चुके हैं, पूरा खाली हो चुका है। अब जो सिर्फ दुकानें हैं वही रह गई हैं, बाकी एक्स्ट्रा सब हट चुका है। फूड कोर्ट का हालत भी वही है, सन्नाटा सा, सन्नाटा नहीं है आज, इतना भीड़ ठीक है, वीकडे है इसलिए लोग कम है, यहाँ पे भी जब लॉकडाउन होने से पहले बहुत कुछ खुल रहा था, जैसे ऊपर देख रहे हैं गेम सेक्शन वो सारा चीज़ खुल रहा था, जो सबका काम बंद हो चुका है, कुछ नहीं खुला, जो दो तीन नई नई दुकानें खुली थी वो बंद हो गई हैं, वो नहीं खुल रही तो वो भी खाली खाली सा लग रहा है। अब निकल चुके हैं मॉल से और मेरा टी शर्ट करा गया, मैं बहुत खुश हूँ, ये मैं नया टी शर्ट पहनूंगा। चलिए चलते हैं अब घर।
वापस। और ये नॉर्मल दुनिया देख के बहुत अच्छा लग रहा है, धीरे धीरे सब कोई पटरी पे आ रहा है। और मैडम जी को खुशी मिल गई क्योंकि मैंने टी शर्ट खरीद लिया, नहीं तो मैं एक टी शर्ट को कम से कम 10-10 साल चलाता हूँ। कुछ भी नॉट डू मीन कुछ भी, मतलब क्या क्या धो के पहनना है, साफ पहनना है, बस ये चीज ना। 10 कपड़ा रख के कोई क्या करेगा जूट का अब अलमीरा को सजाने के लिए। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, और हाँ इंस्टाग्राम पे ही फॉलो कर लीजिएगा। हाँ, और बेल आइकन जरूर दबाइएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स जरूर चेक कीजिएगा, वहाँ पे अमेज़न के ढेर सारे लिंक है, हमारे लिंक से जाइए और कुछ भी शॉपिंग कीजिए जो आपको अच्छा लगे। तो चलते हैं, बाय बाय बाय।